फ्रेंड्स, आलू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ कलाकंद की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छी और सबको बहुत पसंद आती है। ये मिठाई सबको बहुत पसंद आती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और बहुत ही इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। और आपका कभी व्रत है तो आप इसको घर पे बना के खा सकते हैं। हम बाहर से मिठाई ले आते हैं दोस्तों, और पता नहीं रहता उसमें क्या क्या मिक्स हुआ है। तो आप इसी तरह दूध से बनाइए, और इसमें कुछ और ऐड नहीं है, सिर्फ दूध है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आप बड़े आराम से इसको घर में बना सकते हैं। तो देखिए इसका कैसे हम बना रहे हैं और आप इसे सीखिए। तो फ्रेंड्स, हमने 2 लीटर दूध लिया था, तो 1 लीटर में हमने इस तरह से फाड़ के हमने छेना बना लिया है। तो हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने अलग अलग उस पर काम कर लिया है। इसे हमने छेना बना के पहले से रख लिया है। तो आप इसका छेना, वही प्रोसेस है, आप 1 लीटर दूध उबालिए और उसके बाद उसको नींबू या फिर आप सिंथेटिक कोई भी विनेगर उसे आप इसको फाड़िए, और फिर इसके बाद उसका पूरा पानी निकाल दीजिए। और उसके बाद इस तरह से आप इसको पनीर बना लीजिए, और इसको एकदम इसका चूरा चूरा कर लीजिए। और उसके बाद इसको तो हमने इस तरह बना के रख लिया, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है कटे हुए, और पिस्ता थोड़े कटे हुए, और 1 चम्मच हमारा इलायची पाउडर है, ये थोड़ा रोज फ्लेवर है, रोज एसेंस है, और चीनी है स्वाद अनुसार। और 1 लीटर दूध का हमने इसको इस तरह लोहे कढ़ाई में हमने इसको पूरा फुल दूध था 1 लीटर, उसको हमने हाफ कर दिया है, तो टाइम ना लगे ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको कर लिया है। तो अब हम इसको गैस ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दूध को हमने गैस चढ़ा दिया, अभी तक गैस ऑन कर लिया है कढ़ाई पर हमारी। दोबारा से हम इसको अच्छे से हाफ कर लिया, हमने इसको खूब अच्छे से हमने इसको खौलाया, और ये दूध हमारा आधा हो गया है। अब आधे से ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, और उसके बाद हमको इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया हमने, क्योंकि ये हमारा पनीर है और इसमें विनेगर से हमने इसको फाड़ा है, तो अगर हम इसको बहुत गर्म में डालेंगे तो फट जाएगा दूध हमारा। तो हमको इसको इस तरह हल्का ही गर्म रखना है अभी, और हल्का ही गर्म हो तब हम इसको डालते हैं पनीर, तो फटेगा नहीं। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं करना फ्रेंड, बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी मिठाई होती है कलाकंद, इसको सबको पसंद आती है घर में। तो इसको बस अच्छे से इसको हमें चलाना है और इसको गाढ़ा करना है, और एक साथ मिला के इसको फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हम क्या करेंगे। पूरा ऐसे ही इसको हमको धीरे धीरे चलाते हुए एक साथ इसको पूरा मिला लेना है, पनीर और दूध एक जैसा हो जाए तब तक हम इसको मिलाएंगे। जब ये और कम हो जाएगा, करीब आधा हो जाएगा ये, तब हम उसके बाद हम चीनी डालेंगे। तो इसको अभी हम तेज़ आंच कर दिया है हमने, और इसको अच्छे से थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद ये चीनी डालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए पनीर के साथ हमारा ये दूध जो हमने अच्छे से गाढ़ा करके रखा था अच्छे से मिल गया है, थोड़ा कम भी हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम उसको चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी को भी मेल्ट करनी है। तो चीनी अपने स्वाद अनुसार, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, कम है तो थोड़ा कम कर सकते हैं आप। तो इसमें अभी डालेंगे 2, 3, 4, अभी 4 ही डालेंगे, और थोड़ा अभी चेक करेंगे ज़्यादा मीठा होगा, कम मीठा होगा तो थोड़ा और बढ़ा देंगे, नहीं तो ठीक है। इसको अच्छे से हमको चीनी को गलने तक पकाना है अभी, और बहुत ज़्यादा हम इसको सूखा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सूखने पे और ये जैसे सूखेगा ठंडा होगा तो और भी जमने लगेगा, तभी हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो इसी टाइम पे हम थोड़ी इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा बाद के लिए रख लेंगे। तो फिर जब भी आप बनाइए इसी तरह बनाइए जैसे हमने बनाया पहले से ही। दूध आप 1 लीटर उसको पनीर बना लीजिए, और उसको बना के रख लीजिए, और फिर दूसरे टाइम पे आपको फिर टाइम नहीं है तो आप टाइम निकाल के अपना 1 लीटर दूध का उसी तरह गाढ़ा करके आधा कर लीजिए, और फिर दोनों मिक्स कर लीजिए, और दोनों आप मिक्स करके इस तरह बना लीजिए, तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा और आराम से पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका कलाकंद की मिठाई तैयार हो गई है। देखिए अभी एकदम अच्छे से गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, अभी चीनी इसमें मेल्ट हो रही है। तो आप उसी तरह बनाइए फ्रेंड्स, और बनाने के बाद खाइए, खा के अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुँचे। और ज़रूर अपना कमेंट लिखिए कि हमने कैसा बनाया है, तो मुझे खुशी होगी जब आप अच्छा कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है।
तो आप ज़रूर इस तरह से अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे रेसिपी लाते रहेंगे। तो अभी इसको हम और थोड़ा कम करेंगे, अभी मेल्ट हो रही है हमारी चीनी, तो अभी थोड़ा इसको तेज़ कर लेते हैं इसको। अब फ्रेंड्स देखिए एकदम से सूख गया है अभी, अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं सुखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सुखाने पर भी ये बहुत कड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें रहने देंगे कि ठंडा होगा अभी ये, तो उसके बाद जो है और भी ये टाइट हो जाएगा। तो अभी इसी वक्त हम इसमें एसेंस डाल दे रहे हैं, ये रोज़ एसेंस है, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। तो हम इसमें दो तीन ड्रॉप हैं इस तरह डाल दिया और इसे चला लेंगे। आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं या सिर्फ इलायची से भी इसको बना सकते हैं। तो बस अब इसको हम ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड थोड़ा सा ये हल्का ठंडा होगा तो हम इसमें इस तरह से हमने बटर पेपर लगा दिया है, आपका कोई भी इस तरह का कोई कंटेनर हो उसमें आप बटर पेपर के बिना भी आप इसको घी लगा दीजिए और अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। उसके बाद ये अपना जो हमारा कलाकंद का एक तैयार हुआ है उसको इसमें डाल दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको जमने के लिए हम इसको भी रखेंगे। तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, बहुत ज़्यादा ही अभी हॉट है, थोड़ा ठंडा हो जाए इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इक्वल हो जाएगा जब अच्छे से, तो हम इसमें इसको डाल के सेट करेंगे और फिर हम इसको जमने के लिए रखेंगे। तो अभी थोड़ा ठंडा हो जाए इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब फ्रेंड थोड़ा सा हल्का ठंडा हुआ है तो हम इसको इसमें रखते जाएंगे, ऐसे इवनली इसको हमको स्प्रेड करना है। क्योंकि ये दूध का है तो इसमें बहुत ही अच्छी जो मलाई होती है वो खूब अच्छे से उभर के आई है। अगर हम इसको मिल्क पाउडर से बनाते फ्रेंड तो वो बात नहीं आती है। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा, जब भी बनाइए दूध से बनाइए पूरा अच्छे से। उसको अच्छे से फैला लेंगे इसमें, तो फ्रेंड्स अभी हमने इसको अपना जो हमारा ये बनाया था पनीर का खोआ ये इसमें हमने सेट कर दिया। अब इसमें हम बादाम वगैरह भी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सजाने के लिए, थोड़ा ये जो हमने बचा के रखा इलायची पाउडर ये भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। जब भी हम इस तरह का कलाकंद खाते हैं दोस्तों तो थोड़ा दूध दूध की थोड़ा गीला ही होता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको सुखाइएगा नहीं, जब भी आप बनाइए तो इसी तरह बनाइए तो बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत लोग पूरा सुखा देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ना सुखाइए, तो बहुत ही अच्छा ये एक मिठाई तैयार होगी आपके कलाकंद की। तो इसको हम जितना आपको ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल सकते हैं, ये भी डाल देंगे पिस्ता, तो इसमें पिस्ता और क्या कहते हैं बादाम अच्छे से डालिए, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो ये हम एक घंटे के लिए अभी रख देंगे रूम उसमें फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं रखना है फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रख के फिर हम एक घंटे बाद आपको दिखाएंगे, तब तक सेट हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी एक घंटा हो गया तो हमने इसको निकाल लिया है। अब देखिए हमारा कलाकंद तैयार है, तो थोड़ा तो इसे गीला होता है क्योंकि इसमें मिल्क होता है फ्रेंड, और जो हम मिल्क पाउडर से बनाते हैं उसमें बिल्कुल ही सूखा होता है, तो असली में इसी तरह का होता है। जब भी आप खरीद के लाएंगे तो थोड़ा सा उसमें दूध दूध दिखता है। तो बस अब इसको हम दो भागों में इसको काट लेते हैं, पहले इक्वल साइज में, इस तरह से, और इसके तीन कट इधर लगा देंगे, एक पर इधर और एक पर इधर, तो एक इक्वल साइज में हमें जितना बड़ा चाहिए इस तरह से। फ्रेंड एक घंटे के बाद अच्छे से देखिए सेट हो गया। आपको छोटे पीस चाहिए तो आप और छोटे कर सकते हैं, बड़े चाहिए तो आप और बड़े कर सकते हैं, तो हम इतना ही बड़ा रखेंगे और बहुत ही देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रेंड। और आप ज़रूर इसको घर पर बनाइए और बहुत जल्दी बन जाता है, और जब भी आपको कुछ हल्का मीठा खाना हो तो आप इस तरह से आप घर पर बना सकते हैं। तो इसको हम एक निकाल के दिखाते हैं आपको, तो बटर पेपर में अगर आप इसको रखेंगे फिर तो बहुत इजीली निकल जाता है। तो
तो बस इसको हम सेपरेट कर देते हैं इधर से, और इस प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। आप छोटा छोटा चाहिए तो आपको काटना तो छोटा छोटा पीस कर सकते हैं आप इसको, हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है तो खाने में वही टेस्ट आएगा फ्रेंड। तो आप ज़रूर बनाइए इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी होगा। तो जब भी आपका मन करे आप दूध इकट्ठा करिए, और 2 लीटर दूध में आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। पनीर आप पहले बना के रखिए, और या उसी दिन अगर आपको टाइम है तो उसी दिन बना के रख लीजिए। तो बस इसी तरह बना बना के रख लेते हैं, हम पीस करके रख लिए हैं इस तरह। तो देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी से हमने अपना कलाकंद की मिठाई तैयार कर ली है। तो आप भी इसको घर पे इसी तरह बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और आराम से इसको घर पे बनाइए, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपका फास्ट हो तो आप इसको घर पे बनाइए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो जब आपका मन करे इसको घर पे बनाइए, और बनाने के बाद खा के देखिए कैसा है, और खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करिए कि हाँ आपने जब बनाया तो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।